नमस्कार जी। सत्साई भगत जी, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद परमार। कहाँ से आए हो सर आप? भगत जी, हम मध्य प्रदेश देवास, तहसील टोक खुर्द, जिला देवास के रहने वाले हैं, ग्राम सिंधनी के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? भगत जी, हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2014 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले शिव जी को अपना इष्ट मानते थे, सबसे बड़ी शक्ति मानते थे, और उन्हीं की भक्ति करते थे। उनकी भक्ति में हम इतने लीन हो चुके थे कि हमने हमारे हाथ में उनको भी गुदा भी रखा था, और उनकी भक्ति में जैसे हमारे इधर बताते हैं कि वो सांड छोड़ते हैं उसकी शादी करके गाय से, उसको भी छोड़ रखा था। उसके बाद में कांवड़ यात्रा लेके जाते थे। कांवड़ यात्रा के बाद में हर शिवरात्रि के दिन हमारे यहाँ पे एक गांव है बिलावली गांव, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ पर हम भंडारा करवाते थे, और 9 साल तक अखंड जोत जला रखी है हमने माता जी की। ऐसी सारी मतलब उपवास भी करते थे हमने। लगभग 12 साल तक सोमा व्रत किया है हमारी घर से, हमारी भगतमती ने भी साथ में, और भी बहुत सारे उपवास व्रत किए हैं, ग्यारस भी करते थे, सब तरह की भक्तियाँ करते थे, पर शिव जी को इष्ट मानते थे सर हम। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हाँ सर जी, ये हम इतनी सारी भक्ति में लगे हुए थे, घर पे दूसरा कोई वेस्टेज खर्चा भी नहीं था, हैरान थे कि हम इतनी सारी वेस्टेज खर्चा भी नहीं करते हैं, घर की अच्छी इनकम है, मैं मोटर वाइंडिंग का काम भी करता हूँ, मैजिक भी चलती है, घर की मैजिक अटैच है स्कूल में, और खेती भी आती, पर बरकत नहीं हो पाती थी, मतलब इतनी हालत डाउन हो चुकी थी कि हम हमारे मेन फ्रंट दरवाजा जो ख़राब है घर का, वो ही नहीं बदल पा रहे थे। तो कर्जा हो गया बहुत सारी, हमारे गाँव के भगत भी है और मित्र भी थे वो हमारे, उनके माध्यम से हमें रामपाल जी महाराज की जानकारी मिली कि वो सारे दुख दूर कर देते हैं, कर्जा बीमारी भी कर देते हैं दूर। तो हमने सोचा अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत कर्जे में लीन हो चुका हूँ, मेरी ज़मीन बिकने की स्टेप में आ चुकी है, तो उन्होंने बताया कि तुमको अगर भरोसा हो रामपाल जी महाराज पर तो आप उनसे मन में कोई प्रार्थना कर लो मेरे को कर्जा देने के लिए। सिर्फ एक ही लास्ट बची थी, प्लाट था मेरा, अगर ये बिक जाता है तो ये जो लोग परेशान कर रहे हैं ये मुझे भी परेशान नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने मन में संत रामपाल जी महाराज से मतलब मनी मन इच्छा करी कि हे परमात्मा, अगर तुम धरती पर आए हो तो आप मेरा ये प्लाट बिकवा दो, मैं आपके शरण में आऊँगा और आपसे नाम दीक्षा लूँगा। इस आधार पर मैंने मन मन में संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी। उसके बाद में सर जी 3 दिन में ही वो प्लाट मेरा बिक गया। हम सतलोक आश्रम बरवाला गए और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से हमने फिर नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के बाद तो ठीक है, हमने तो सिर्फ उनको परमात्मा माना, मतलब हमने हमारे दुख जो सबसे बड़ी समस्या थी मेरा कर्जा, वो नाम ना लेने से पहले ही उनको हमने प्रार्थना लगाई थी, जो मेरा 3 दिन में काम हो गया, और नाम लेने के बाद में तो बहुत बहुत चमत्कार हुए। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि बोर लगाने की सोच ली और संत रामपाल जी महाराज से फिर हमने प्रार्थना लगवाई। वहाँ से आदेश आया कि आप कहीं पर भी बोर लगा लो, संत रामपाल जी महाराज आपका ऊपर दया करेंगे। उसके बाद में हमने बोर लगवाया, पानी संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत निकला, और हमने मोटर डाली उसमें, और भगत जी मोटर डालने के बाद में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि ये मोटर हमने डाल के हमने फिर करंट लगाना चाहा मोटर को चालू करने के लिए, तो हमने खंभे से तीनों तार फैलाकर स्टार्टर जो भी लाइट की सारी व्यवस्था चालू करने के लिए हमने लगाई, और लाइट चालू करते समय ऐसा हुआ कि लाइट चले गई। अब लाइट जाने के बहुत टाइम तक हमने इंतज़ार किया, नहीं आई, तो हमने सोचा इसको बाद में चालू करेंगे, तो मैं घर पे जाके अंदर जाके लेट गया, और थोड़ी सी देर बाद में मुझे ये याद आई कि हमने जो तार वहाँ पे बिछाए थे तीनों तार सर्विस के, उस सर्विस के तार में से कुछ काटे थे हमने तार,
कुछ रिजेक्ट तार थे जो वैसे ही वेस्टेज पड़े हुए थे, तो मैंने मेरे बालक को बोला कि वो तार लेके आ जाए यार बेटा। तो वो वहाँ पे गया था, उसने वो तार जो मैंने काट के रखे थे वो तार घड़ी ना करके करंट में जो लगे थे तीनों फेज मोटर को चालू करने के लिए, उसने वो तार को मतलब इकट्ठे करने चालू कर लिए बीछे हुए तार को। और जहाँ पे हमने तार लगा रखे थे वहाँ पे हमारे गांव का हेडपम्प था, वहाँ पे गीला भी था, तो वो ऐसे गीले में से पानी में ही जा रहा था घड़ी करते हुए, और वहाँ पर उसको करंट लग गया। और करंट लगा तो वो घर पे आया, दौड़ता हुआ आया, ये हमको मालूम पड़ा कि घर पे आ गया। वो बाहर से उसने आवाज़ दी कि पापा मुझे करंट लग गया, मतलब ऐसा बोला उसने कि करंट लगा मुझे, ऐसा बोला, और वो वहीं पे दरवाजे में गिर गया। अब हमने आके देखा कि यार शिवांश को तो करंट लग गया, हाथ पूरा जला हुआ था, और हम घबरा गए। पहले क्या है कि हम हमारे घर में ना आठम पूछते थे हम, मेरे मन में ये विचार आ गया कि यार अपन ने जो गुरु जी से नाम दीक्षा ली और ये जो आठम पूछने का काम अपन ने बंद कर दिया, तो ये दुनिया, हमको तो गुरुजी पे तो पूरा भरोसा था, संत रामपाल जी महाराज पे तो पूरा भरोसा था कि वो ही सब कुछ करने वाले हैं और माता दुर्गा जी कुछ नहीं कर पाएगी, ये हमको भरोसा था। बाकी गांव वालों के डर से और परिवार वालों के मतलब इनकी ताने की वजह से मेरे मन में ऐसा विचार आया कि अब क्या होएगा। और ऐसे ही वहीं से मैंने मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को याद किया और कहा कि हे परमात्मा, अब मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगा। जैसे ही मैंने गुरुजी को मन में मैंने याद किया, ऐसे ही बालक खड़ा होके बोलने लगा कि पापा मुझे करंट लग गया था, तुमने जो मेरे को तार घड़ी करने के बोला था वो तार मैं घड़ी कर रहा था, उसमें तो करंट आ गया और वो करंट मुझे लग गया, और करंट मेरे को पूरे शरीर में झिझनाहट छोड़ रही थी, मैं मतलब चिल्ला रहा था पापा पापा, और किसी ने आवाज़ नहीं सुनी और तार छूट नहीं रहा था। फिर वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने मुझे बोला बेटा घबराए मत, उन्होंने तार छुड़वाए। तार छुड़वाने के बाद में वो बोल रहा बालक कि पापा मेरे को संत रामपाल जी महाराज घर पे छोड़ के गए और उन्होंने ही मुझे बचाया है। अब इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद में फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए सब, उसका हाथ जल गया था, हड्डी तक जल गई थी उसकी। परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार किया, मैं तो खुशी के मारे हैरान हो गया कि इतना बड़ा चमत्कार क्यों। उसके पहले भी हमारे गांव में 3 दिन पहले ही एक छोटा सा बालक था, वो भी 8-9 साल का था, उसको भी 3 दिन पहले ही करंट से मरा था। वो मतलब उसको तो सिर्फ हल्का सा पाँव में करंट लगा था, हल्का सा छाला हुआ था सिर, जो वो देवास तक नहीं जा पाया, और वो 3 दिन पहले ही मरा था। और वो गाँव वाले बड़े हैरान थे कि एक बालक को सिर्फ छाले बरोबर करंट लगा है और इसको तो 3 फेज 3 जगह पूरा हाथ जल गया है, अंगली जल गई है, फिर भी इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। सर जी, ये हमारा बेटा भी आया हुआ है साथ में, आपको देखना तो भले से आप देख सकते हो। सर जी, ये हमारा बेटा है, इसको 1 फेज 3 फेज में से 1 फेज तो ये यहाँ लगा हुआ था, इसको ये अब तो ठीक हो गया है, वैसे ये प्लेन हो गया, पूरे तो बहुत 1/2 इंच के लगभग गड्ढा हो गया था, जल के पूरा ख़त्म हो गया था। और ये यहाँ पर भी ये अंगली तो अभी भी सीधी नहीं हो रही, इसकी हड्डी तक जल चुकी है ये, और मांस यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, और पूरा मतलब तार लगा हुआ था यहाँ पे चिपक गया था, पूरा जल गया था ये पूरा। और संत रामपाल जी महाराज ने आके बालक को घर तक छोड़ के गए, हम तो हमारे घर में बैठे हुए थे आराम से। सर जी, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की दया नाम लेने के बाद में इतने बड़े चमत्कार हुए हैं, और भी बहुत सारे छोटे मोटे चमत्कार तो होते ही रहते हैं दिन भर में, पर इससे बड़ा एक चमत्कार और भी हुआ था। एक दिन हम हमारी दीदी और हमारे जीजा और हमारे अंकल एक शादी को अटेंड करने के लिए जा रहे थे, रास्ता थोड़ा अच्छा था, साफ था, तो मैं खुद गाड़ी चला रहा था, 120 की स्पीड में गाड़ी में खुद देख रहा था कांटे पे, 120 की स्पीड तक मैं जा चुका था। एकदम अचानक ऐसा मोड़ आया कि उसको गाड़ी को जिस स्पीड में था वो गाड़ी हमारी, उस स्पीड में मतलब उसको अगर मैं पलटा था या थोड़ा भी टर्न लेता तो गाड़ी पलटी खा जाती। ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी में गाड़ी को रोक भी दी संत रामपाल जी महाराज ने किया है ये सारा कार्य। हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 120 की स्पीड को कोई 50 मीटर की दूरी में कोई रोक ही नहीं सकता। और जहाँ पर भी गाड़ी रुकी वहाँ पे एक तो सामने बहुत बड़ी खई थी और पेड़ इतना बड़ा था कि अगर वहाँ पे अगर हमारी गाड़ी टकराती
तो ये निश्चित है कि हमारा को एक भी नहीं बच पाते, गाड़ी के पूरे छितड़े छितड़े उड़ जाते। और वहीं पे हमने फिर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज गुरु जी को मैंने दंडवत प्रणाम किया और वहीं से बोला, हे बंदी छोड़, तू ही बचा सकता है। और हमारे जीजा भी बोल रहे कि ये गाड़ी कैसे रुकी, हैरान थे वो, मेरी दीदी भी, मेरी दोनों भानेज भी थी कि मामा जी आपने ये गाड़ी इतनी जल्दी कैसे कंट्रोल कर ली। मतलब ये भी बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ है हमारे गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, नशे में भगत जी, मैं सिगरेट भी पीता था, बीड़ी भी पी लेता था। मैं बीड़ी से इतना आदी था कि मैं रात को कभी बीड़ी या सिगरेट नहीं होती थी तो मैं जो पी के फेंक देता था उसको ढूंढ के पीता था मैं। मतलब इतना आदी हो चुका था नशे, बीड़ी और सिगरेट का। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में आज तक वो सिगरेट को छूता भी तक नहीं हूँ। और यहाँ तक कि इतनी, मतलब उससे इतनी नफरत हो चुकी है कि कोई पीता हुआ अगर दिख जाता है या कोई उसकी थोड़ी बहुत भी बदबू आ जाती है तो फिर वहाँ से उठना पड़ता है। मतलब गुरु जी की इतनी बड़ी दया हुई संत रामपाल जी महाराज की। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, संदेश तो सिर्फ परमात्मा दे सकते हैं। मैं समाज के श्रद्धालु भक्तों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि आप संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना मानव जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। सच साहेब।